हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो मैं लाया हूँ आरपीएफ कांस्टेबल एनएसजी पीटी पीएमटी, ठीक है, एबीई ग्रुप वाले देख ले, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट में क्या लेकर जाना है फुल डिटेल्स बताने जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत लोगों ने कॉमेंट किया पिछले वीडियो में, सर क्या लेकर जाना है, तो मैं सोचा कि एक वीडियो बना दूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, आप हमारे वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आप अच्छी बात ही समझ पाएंगे, आपको क्लियर कर दूं मैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो है ये ए और बी ग्रुप के लिए है। अगर आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं ए बी ई ग्रुप, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में है। ठीक है, ये ए और बी ग्रुप के लिए है। आप लोग जब एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे तो आप लोग का जो इंटरफेस, जो एडमिट कार्ड डाउनलोड किए होंगे उसका जो इंट्रोडक्शन आया होगा, दो पेज का होगा एडमिट कार्ड। ये जो सेकंड पेज में आप लोग का जो एक से लेकर दस नंबर तक है, आप लोगों को मैं बता दूं कि क्या क्या लेके जाना है। ठीक है, और ये भी बता दूं मैं, जो ए और बी है ग्रुप, ठीक है, उनको सिर्फ पी टी और पी एम टी ही होगा ए और बी ग्रुप के लिए। ठीक है, क्या लेके जाना है मैं आपको चलिए लिए चलता हूँ। देखिए, ये जो है एक से लेकर दस नंबर तक, इनका जो मैं हिंदी में अनुवाद किया तो आपको मैं चलिए पढ़ के बता दे रहा हूँ। एक नंबर, उम्मीदवार बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए मूल आईडी लगाएगा। मूल आईडी और बायोमेट्रिक सत्यापन के बिना उम्मीदवार को परीक्षणों के लिए भर्ती नहीं किया जाएगा। आपका जो है वो आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, और बायोमेट्रिक किया जाएगा। और उम्मीदवार को सुबह 5:30 बजे पीईटी स्तर रिपोर्ट करना चाहिए। आप 5:30 बजे सुबह फिजिकल जगह पहुंच जाए। ठीक है, चलिए तीन नंबर, परीक्षा पूरे दिन जारी रह सकते हैं, इसलिए अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि 2 से 3 दिनों के लिए तैयार रहे। आप लोग से कहा जा रहा है कि 2 से 3 दिन तक तैयार रहे, क्योंकि ये कुछ लंबा परीक्षण हो सकता है। इसमें साफ साफ दिया हुआ है, आप पढ़ ले। ठीक है, इसमें भी देखिए यहाँ दिया हुआ है 2 से 3 डेज। चलिए, अधिसूचना के पैरा, आप लोग जो विज्ञापन जो डाउनलोड किए, फेज टू में निर्धारित प्रक्रिया का पालन परीक्षणों के लिए किया जाएगा, इसलिए उम्मीदवार को उक्त के प्रावधानों को पढ़ना और समझना चाहिए। ठीक है, आप अच्छा से पढ़ ले। और पांचवें, पीटी और पीएमटी के संचालन बैचों में किया जाएगा। आप लोग जो ट्रेड है, 7-8 कुक है, जैसे सभी ट्रेड है, तो आप लोग को बेंच वाइज किया जाएगा। ठीक है, ये प्रक्रिया शाम तक चल सकती है। चलिए 6 नंबर, प्रत्येक उम्मीदवार को प्रदान किए आरएफआईडी टैग के माध्यम से पीटी और पीएमटी के डेटा को कैप्चर किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षण के दौरान टैग पहने और परीक्षणों को पूरा होने तक अधिकारियों को टैग वापस कर। आप जो आप लोगों को टैग में दिया जाएगा छाती पे या गले पे पहन कर रखना है, और पूरा हो जाने बाद आप अधिकारियों को वापस जमा कर दे। ठीक है, 7 नंबर, आप लोग बता दूं मैं, ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान अपलोड की गई रंगीन फ़ोटो, आप जो जिस रजिस्ट्रेशन किए थे उसी 2 कॉपी रंगीन फ़ोटो लेकर जाए। ठीक है, कार्यक्रम स्थल में दौरान उम्मीदवार सीसीटीवी निगरानी में रहेंगे। ठीक है, आप लोगों को जितना भी होगी प्रक्रिया सब सीसीटीवी निगरानी में होगी। उन्हें परीक्षण के संचालन अधिकारियों के निर्देश का पालन करने की सलाह दी जाती है। आप लोगों को पालन करने की सलाह दी जाती है। 9, उम्मीदवारों को परीक्षण के दौरान किसी भी चोट से बचने के लिए ध्यान रखना चाहिए। सीआरसी किसी भी चोट के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। ठीक है, चलिए अंतिम नंबर, आप लोग अगर कोई भी चीज़ है तो आप लोग शिकायत दर्ज कर सकते हैं। चलिए, ये जो है ई ग्रुप के लिए है। आप हमारे वीडियो में एंड तक बने रहे, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। और जो जिन जिन लोगों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ उनके बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आप हमारे वीडियो में एंड तक रहे। चलिए, ये जो है ई ग्रुप के लिए है, आप यहाँ पढ़ ले। आप लोग का भी एडमिट कार्ड इस तरह का फेज डाउनलोड किए होंगे। ठीक है, चलिए आप यहाँ देख ले। ठीक है, जो ये जो है ये लोग ग्रुप का, इसका ट्रेड टेस्ट 7 में ही होंगे। ठीक है, सिर्फ ई ग्रुप के लिए ट्रेड टेस्ट 7 में ही होंगे। ओके, और जो ये जो पोस्ट देख रहे हैं, नाई और मोची श्रेणियों के उम्मीदवार ट्रेन टीटी के लिए उपकरण लाएंगे। आप लोगों को जो ये 2 पोस्ट है खुद लेकर चलना है, नाई और मोची के लिए जो वहाँ ट्रेड टेस्ट होंगे। ग्रुप ई के लिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है,
और आपको मूल प्रमाण पत्र की स्वाधिकता फोटो को भी दस्तावेज के साथ अधिकारों को प्रस्तुत करना पड़ेगा। आप ये जो टैग हैं पढ़ लें, ठीक है। और मैं एक बार आपको ये भी बता दूं कि मैं स्वयं एक आरपीएफ का परीक्षार्थी हूं, ठीक है। हमसे सटीक और सही जानकारी कोई भी यूट्यूब आपको प्रोवाइड नहीं करेगी, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन अब तक मैं लाता रहूं। आप ये देख ले, ये जो फिजिकल है ये ग्रुप का है, ठीक है। ये भी मेरा 1 जुलाई न्यू जलपाईगुड़ी में दिया गया है। आपसे एक मैं रिक्वेस्ट है, आप लोग जितने भी नंबर लाए हैं हमारे कमेंट बॉक्स में ग्रुप वाइज लिख कर और कितना नंबर है और किस पोस्ट में डाले हुए हैं फॉर्म ज़रूर शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का जहाँ तक होगा जहाँ से ज़्यादा आप लोग को रिप्लाई मैं दूँगा, ठीक है। और एक बात मैं बता दूँ, कल 15 जून है, मेरा कल से क्लास स्टार्ट होने जा रहा है ग्रुप डी और एनटीपीसी से, साइंस जीके टॉफ जीके जीएस, 20 से 30 प्रश्न हर सेट में रहेंगे, आप क्लास भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक आप हमसे रिक्वेस्ट है कि आप जैसे मेरा नोटिफिकेशन है आप 10 सेकेंड के लिए ज़रूर ओपन कीजिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप बाहर आ जाए, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।